नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में गिरधारी एनकाउंटर का क्राइम सीन गया दोहराया। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में कुछ दिन पहले हुए एनकाउंटर में गिरधारी नाम के एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेकर एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं कोर्ट के सख्त रवैया को देखते हुए गिरधारी एनकाउंटर का क्राइम सीन दोहराया गया। बता दें कि गिरधारी लखनऊ में पिछले महीने हुए अजीत सिंह की हत्या का मुख्य अभियुक्त था। गिरधारी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या की गई। संभल में 11 फर्जी शिक्षक होंगे बर्खास्त। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। संभल में SIT की जांच के दौरान शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि संभल में 11 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने BEd की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की है। वहीं इस मामले में BSA ने 11 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है राजेश प्रसाद का। शिक्षकों के खिलाफ FIR का आदेश हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? ये तो SIT की जांच चल रही थी, SIT की जांच में दोषी पाए गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें सही मान लिया, अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कितने शिक्षक हैं ऐसे जनपद में? जनपद में 11। क्या उनके वेतन पर भी रोक लगाई गई है? हाँ, वेतन भी। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन। देखे श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य की अध्यक्षता तथा अपर पुलिस अधीक्षक BC दुबे के पर्यवेक्षण में पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए जनपद के सभी थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला कर्मियों की गोष्ठी की गई तथा चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देते हुए प्राथमिक उपचार किट प्रदान की गई। गोष्ठी में महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस कार्यालय सहित सभी थानों में स्थापित हेल्प डेस्क में नियुक्त दो दो महिला कर्मियों को डॉक्टर राकेश कुमार भारती, डॉक्टर सपना श्रीवास्तव, डॉक्टर संध्या सिंह तथा डॉक्टर रोहित शशांक द्वारा प्राथमिक चिकित्सकीय प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा गोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया गया कि आपके थाने पर जब कभी कोई घायल महिला आती है तो सर्वप्रथम आप उसका प्राथमिक उपचार करेंगी तथा उसकी समस्या को सरलता पूर्वक सुनते हुए निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।